निकल जा इस घर से, अभी निकल जा। नहीं तो लात मार के निकालेंगे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे क्यों कर रहे हो देवर जी, पहले उन्हें घर लौटने तो दीजिए। अब तेरा पति कभी घर नहीं लौटेगा, हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अब भैया कभी नहीं लौटेंगे। निकल निकल जा, आज से ये घर हमारा है। देवगंज नाम के गांव में सुमित्रा रहती है। उसका पति ब्रजेश दिन भर मेहनत करता है मगर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता, मगर इसे लेकर सुमित्रा के मन में कोई शिकायत नहीं है। सुमित्रा तो बस अपने पति और बच्चों के साथ शांति से जीवन बिताना चाहती है, मगर उनको अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। बच्चा न होने के कारण गाँव के लोग सुमित्रा को बांझ कहते हैं। अरे ये देखो बांझ सुमित्रा आ गई, चलो सब इसके साथ बात बात करने से कहीं हमारे ऊपर भी कुछ असर ना पड़ जाए। ये सब सुनकर सुमित्रा को बुरा लगता है, मगर वो करे भी तो क्या करे। वो बस अपने पति ब्रजेश के पास जाकर रोती रहती है। गांव के सभी लोग मुझे बांझ बांझ बोल कर चिढ़ाते हैं जी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ, क्या मेरी कभी कोई संतान नहीं होगी। रो मत सुमित्रा, रो मत, बस पूरे मन से महादेव को पुकार, महादेव सबके सुनते हैं, हर हर महादेव। सुमित्रा और ब्रजेश देवाधिदेव महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। उन दोनों के मन में शिव जी के लिए श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। सुमित्रा दिन भर बस शिव जी की पूजा करती है और उनसे प्रार्थना करती रहती है। हे शिव जी, बस मेरा एक सपना पूरा कर दीजिए, मुझे एक संतान प्राप्त करवा दीजिए। शिव जी स्वर्ग लोक में बैठकर सब कुछ देखते हैं। सुमित्रा की पुकार उन्हें सुनाई देती है। नारायण शिव जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रणाम महादेव। बोलो नारायण, क्या संदेश लेकर आए हो। नारायण नारायण, संदेश नहीं प्रभु, एक अर्जी लेकर आया हूँ। धरती लोक में सुमित्रा नाम की ये औरत रोज आपकी पूजा करती है, रोज रोज रोते हुए आपका आशीर्वाद मांगती है, क्या उसे आपका आशीर्वाद नहीं मिल सकता प्रभु, क्या आप अपने भक्तों का दुख हरण नहीं करेंगे। नारायण, मैं केवल सच्चे भक्तों का दुख निवारण करता हूँ। सुमित्रा और उसके पति को अभी बहुत सारी परीक्षा देने होंगे, अगर वो सफल हो जाए तभी मैं उन दोनों का दुख निवारण करूंगा। जैसी आपकी मर्जी प्रभु, नारायण नारायण। ये बोलकर नारायण चले जाते हैं। शिव जी दोनों आंखें बंद कर धरती लोक में घट रही घटनाओं का निरीक्षण करते हैं। यहाँ धरती लोक में सुमित्रा पूजा कर रही है। ब्रजेश काम पर निकल जाता है। वहाँ उनके पास के घर में सुमित्रा का देवर सुरेश और देवरानी बिमला आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों सुमित्रा और ब्रजेश से बहुत नफरत करते हैं। सुनो बिमला, वो जमीन मुझे चाहिए, उस जमीन पर मैं मेरी दुकान खोलूंगा। मगर जब तक तुम्हारे भैया और भाभी रहेंगे तब तक सिर्फ ख्वाब ही देखना पड़ेगा तुमको। वही तो, पता नहीं ये भैया और भाभी कब भगवान को प्यारे होंगे। सुरेश बहुत अमीर है, उसके कई सारे बिजनेस हैं, मगर फिर भी वो ब्रजेश की जमीन हड़पना चाहता है। उधर सुमित्रा अपने पति की दीर्घायु होने की कामना कर रही है शिवजी से। हे शिवजी, उनको लंबी उम्र देना, उनका ख्याल रखना। तभी वहाँ पर पड़ोस की अंजलि नाम की एक औरत आती है। अंजलि और सुमित्रा एक ही उम्र के हैं। इस गांव में सिर्फ अंजलि ही है जो सुमित्रा के दुख दर्द को समझती है। अंजलि कहती है, वाह रे सुमित्रा, सुबह सुबह भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है, इतना प्यार करती है पति से। हाँ, सुमित्रा शर्मा जाती है, शर्मा कर कहती है, अपने पति से कौन प्यार नहीं करता है, बता। छोड़िए सब, बोल अंजलि कैसे आना हुआ। बरसात शुरू होने वाली है, तेरा पति कावड़ यात्रा पर जा रहा है या नहीं। कावड़ यात्रा? नहीं तो। अरे पागल, अपने पति को बोल कावड़ यात्रा पर जाने के लिए, और तू भी इस सोमवार को शिव जी का व्रत रख, इससे तुम दोनों की मनोकामना पूरी हो सकती है। कितना कुछ तो किया है एक बच्चा पाने के लिए, कुछ हुआ? अरे कहाँ कुछ हुआ अंजलि, कितने डॉक्टर दिखाए, इधर खाने को पैसा नहीं है, मगर डॉक्टर और दवाई के पीछे कितना सारा पैसा खर्च हो गया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये काम डॉक्टरों का नहीं है, सिर्फ स्वयं महादेव के आशीर्वाद से ही तेरे मन की लालसा पूरी हो सकती है। हाँ अंजलि, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, मैं व्रत रखूंगी और उन्हें भी कावड़ यात्रा में जाने के लिए कहूंगी। दो चार बातें करके अंजलि चली जाती है। शाम को ब्रजेश घर लौटता है। सुमित्रा उसे कावड़ यात्रा पर जाने के लिए कहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कावड़ यात्रा पर जाऊंगा, हर हर महादेव। घर के बाहर सुरेश खड़ा हुआ था, वो ये बात सुन लेता है और फिर बिमला के पास जाकर कहता है। सुनो बिमला, हमारे पास एक मौका आने वाला है, भैया इस सोमवार को कावड़ यात्रा पर जाने वाले हैं, नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, हम वहाँ भैया का काम तमाम कर देंगे। अरे वाह, तब तो हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, सभी सोचेंगे कि एक्सीडेंट से गुजर गए हैं। और यहाँ हम भाभी को घर से निकाल देंगे और वो जमीन हमारी हो जाएगी। सुरेश और बिमला बहुत खुश हो जाते हैं। उस रात से ही तीव्र बारिश शुरू होती है।
सुमित्रा के कमरे में ऊपर से बारिश का पानी टपकने लगता है। हर साल बारिश में यही होता है, अब बारिश के पानी से पूरा घर भीग जाएगा। चिंता मत करो जी, शिव जी सब कुछ देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे, तुम बस कावड़ यात्रा पर ध्यान दो। सोमवार आ जाता है, सुमित्रा शिव जी का व्रत रखती है और ब्रजेश कंधे पर कावड़ लेकर नदी की ओर निकल जाता है। सुरेश और बिमला को तो बस इसी का इंतजार था, वो दोनों सुमित्रा के घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और सुमित्रा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं और इस घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। निकल जा इस घर से, अभी निकल जा, नहीं तो लात मार के निकालेंगे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों कर रहे हो देवर जी, पहले इन्हें घर तो लौटने दीजिए। अब तेरा पति कभी घर नहीं लौटेगा। हमने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अब भैया कभी नहीं लौटेंगे। निकल निकल जा, आज से ये घर हमारा है। मतलब क्या होगा मेरे पति को, क्या करोगे तुम दोनों उनके साथ? अरे पागल औरत, इतना भी नहीं समझती क्या? हम दोनों ने तेरे पति को मारने का फूल टू प्लान बनाया है, तेरा पति आज भगवान को प्यारा हो जाएगा। नहीं मत मारो मेरे पति को, मत मारो, उसके बदले मुझे मार दो, मगर उन्हें छोड़ दो। देखो देखो कैसे गिड़गिड़ा रही है। पूरी पतिव्रता नारी। जा अब निकल यहाँ से। ये बोलकर बिमला और सुरेश सुमित्रा को धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। सुमित्रा रो पड़ती है, अपने पति के बारे में सोचकर उसे बहुत टेंशन होने लगती है। वो चिल्लाकर कहती है, सुन रहे हो जी, आप मत जाइए मत जाइए। सुमित्रा अपना आपा खो चुकी है, उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ब्रजेश अभी बहुत दूर चला गया है, वो उसकी पुकार नहीं सुन सकता। सुमित्रा ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऊपर से ऐसी घटनाएं और टेंशन, सब कुछ एक साथ मिलाकर उसका सर चकराने लगता है। कुछ देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश होकर रास्ते में गिर जाती है। उधर ब्रजेश कावड़ लेकर नदी की ओर जा रहा है, रास्ते में वो और भी लोगों से मिलता है। उनमें से दो लोग कावड़ लेकर जा तो रहे हैं मगर दिल के अच्छे नहीं हैं। वो ब्रजेश से पैसा छीन लेने का प्लान बनाते हैं। उनमें से एक आदमी सुनसान से रास्ते में ब्रजेश को धक्का मारकर गिरा देता है और फिर दोनों मिलकर ब्रजेश की जेब से पैसा लेकर भाग जाते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा पैसा वापस करो। मगर वो लोग ब्रजेश की बात नहीं सुनते हैं। ब्रजेश उठता है और फिर से चलने लगता है। रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ता है। सुरेश और बिमला ने यहाँ एक आदमी को पहले से ही पैसे खिलाकर रख दिया है। उस आदमी ने इस तालाब में दो मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और खुद झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है। ब्रजेश जब इस तालाब के पास आता है तब वो आदमी झाड़ियों से निकल आता है और ब्रजेश को जोर से धक्का मारता है। ब्रजेश तालाब में गिर जाता है। बचाओ बचाओ मुझे, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, ये तो मगरमच्छ तुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। दो मगरमच्छ ब्रजेश की तरफ बढ़ने लगते हैं। ब्रजेश कोई उपाय ना होने पर शिव जी को पुकारता है। हे शिव जी, हे देवादिदेव महादेव, मुझे बचाइए मुझे बचाइए। मगर इतने में मगरमच्छ ब्रजेश के बहुत पास आ गए और वो ब्रजेश पर हमला कर देते हैं। ब्रजेश अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता रहता है मगर एक मगरमच्छ उसका बायां हाथ काट लेता है और वो हाथ ब्रजेश के शरीर से अलग हो जाता है। तभी पता नहीं कहां से ब्रजेश के अंदर बहुत शक्ति आ जाती है। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, यहाँ नहीं। ये बोलकर किसी तरह तैर कर तालाब के किनारे पहुंच जाता है और तालाब से उठकर वो दौड़ने लगता है। उसका एक हाथ लेकर दोनों मगरमच्छ तालाब में लड़ने लगते हैं। ब्रजेश दौड़ता ही रहता है और दौड़ते दौड़ते नदी के किनारे पहुंच जाता है। चलो किसी भी तरह नदी किनारे पहुंच गया, अब ये पानी लेकर मुझे जल्दी से घर जाना होगा। ब्रजेश किसी भी तरह नदी से पानी लेता है और फिर से दौड़ते हुए घर की ओर चला जाता है। वो अपने में एक तीव्र शक्ति महसूस करता है। उधर सुमित्रा को होश आता है और वो उठ जाती है। अरे मैं कहाँ हूँ, वो अभी तक आए नहीं, मगर क्यों, कहीं उनको कुछ हो तो नहीं गया। ये बोलकर सुमित्रा उठती है और चलने लगती है। तभी सुरेश गाड़ी लेकर आता है और पीछे से सुमित्रा को धक्का मार देता है। सुमित्रा मुंह के बल गिरती है और बहुत खून निकलने लगता है। सुरेश गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। इतने में ब्रजेश वहाँ पर आ जाता है और तभी वो देखता है कि सुमित्रा खून में लिपटी हुई रास्ते में पड़ी है। अरे ये क्या, सुमित्रा यहाँ इस तरह क्यों पड़ी है? सुमित्रा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? ब्रजेश सुमित्रा के चेहरे पर पानी छिड़कता है। सुमित्रा जाग जाती है और ब्रजेश को देखकर खुशी से रो पड़ती है। आप जिंदा हो, मगर ये क्या, आपका एक हाथ कहाँ है?
तब ब्रजेश सुमित्रा को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर सुमित्रा कहती है, ये सब तुम्हारे भाई सुरेश और उसकी पत्नी बिमला का किया धरा है, उसने मुझे भी मार डालने की कोशिश की। सुमित्रा ब्रजेश को भी सब कुछ बताती है। ब्रजेश कहता है, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। चलो सुमित्रा, शिव जी के मंदिर जाते हैं, अब शिव जी ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मगर मैं चलकर नहीं जा सकती, मेरा पैर टूट गया है। ठीक है, मैं तुमको कंधे पर उठा लेता हूँ, जो भी हो जाए शिवलिंग पे पानी डालना ही होगा। ये बोलकर ब्रजेश किसी भी तरह सुमित्रा को कंधे पर उठा लेता है और मंदिर की ओर चल देता है। वो दोनों मंदिर पर पहुँचते हैं और कांवड़ के पानी से शिवलिंग को नहलाते हैं और फिर शिव जी की पूजा करते हैं। सुमित्रा रोते हुए कहती है, हे महादेव, और कितनी परीक्षा लेंगे आप, अब तो हम पर दया कीजिए। तभी एक चमत्कार हो जाता है, शिवलिंग से स्वयं शिव जी बाहर आते हैं और कहते हैं, सुमित्रा, ब्रजेश, तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए। इतनी कठिनाइयों के बावजूद तुम दोनों ने मुझ पर विश्वास रखा और मंदिर आकर मेरी पूजा की। तुम दोनों ही मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों की समस्याएं खत्म कर दूंगा। प्रिय ब्रजेश, तुम्हारा एक हाथ लौट आएगा। प्रिय सुमित्रा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, इसी साल तुम माँ बन जाओगी। तुम दोनों के सारे शत्रु भस्म हो जाएंगे और ये दोनों कांवड़ सोने चांदी से भर जाएंगे, तथास्तु। ये बोलकर शिव जी अदृश्य हो जाते हैं। ब्रजेश का एक हाथ लौट आता है और ब्रजेश पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। सुमित्रा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोनों कांवड़ में सोना चांदी भर जाता है। उधर सुरेश और बिमला एक झटके से भस्म हो जाते हैं। ब्रजेश और सुमित्रा घर लौटते हैं। वो दोनों शिव जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं। ब्रजेश एक बड़ा सा घर बनाता है। उसको अभी खाने पीने की कोई चिंता नहीं है। कुछ महीनों बाद सुमित्रा प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके कुछ महीनों बाद उसे एक बेटा होता है। सुमित्रा और ब्रजेश के सारे सपने सच हो जाते हैं और वो खुशी खुशी जीवन बिता देते हैं। इसीलिए तो देवादिदेव महादेव पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। हर हर महादेव। दिनेश हर रोज की तरह अपनी पत्नी विमला के साथ सब्जी की रेहड़ी लेकर मालती अपार्टमेंट के बाहर अपने चिर परिचित अंदाज में सब्जी बेच रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी ले लो, घिया ले लो घिया, भिंडी ले लो भिंडी, लौकी ले लो लौकी, करेले करेले, लाल लाल टमाटर ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर सोसाइटी के लोग उसकी रेहड़ी के पास आने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसकी रेहड़ी के पास काफी लोगों की भीड़ लग गई। अरे भैया, 2 किलो टमाटर तोल दियो। दिनेश भैया, मेरे लिए 1 किलो पालक और मूली कर दियो। दिनेश की रेहड़ी पर भीड़ का सबसे बड़ा कारण है उसकी ताज़ी सब्जियाँ। दिनेश और विमला अपनी सब्जियाँ खुद उगाते हैं और बाजार में बेचते हैं। सब्जी बेचने वाली विमला और उसका पति दिनेश भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी 3 बेटियाँ थी, रानी, सीमा और गीता। ये तीनों भी अपने माता पिता की तरह ही शिव जी के परम भक्त थे। इनका पूरा परिवार सबसे पहले सामने के मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करता, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करता। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। हर साल दोनों पति पत्नी कांवड़ यात्रा पर भी जाते। कांवड़ यात्रा के रास्ते में मुश्किलों तो आती, लेकिन वो शिव का नाम भजते ही यात्रा पूरी कर ही लेते। बाबा, आप दोनों हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, इस साल हमें भी ले चलो ना अपने साथ। अरे तुम लोग अभी छोटी हो, थक जाओगी बेटा। हम नहीं थकेंगे, हमें भी इस बार ले चलो ना आप। उसकी बातों को सुनकर विमला ने कहा, ठीक है, इस बार कांवड़ यात्रा पर हम सब साथ चलेंगे। माँ की बातों को सुनकर सारी बहनें बहुत खुश हो गयी। दिनेश का एक पड़ोसी था मांगेलाल, वो दिनेश से बहुत जलता था। वो किसी न किसी तरह दिनेश को नीचा दिखाने की ताक में लगा रहता और वो चाहता कि उसका सब्जी का धंधा बंद हो जाए। उसकी नज़र उसकी उपजाऊ जमीन पर भी है, हालांकि दिनेश के सामने वो दोस्ती का नाटक करता। भोले भाले दिनेश को मांगेलाल के मंसूबों का पता नहीं था। मुझे इस दिनेश की जमीन किसी भी तरह हथियानी है, पता नहीं क्या डालता है ये अपने खेतों में, इतनी अच्छी फसल होती है, मुझे ये जमीन हथिया कर इनका सब्जियों का धंधा बंद करना है। बहुत फल फूल रहे हैं ना, मैंने तो सुना है ये अपना मकान पक्का भी करवाने वाले हैं। पानी सिर से ऊपर निकल जाए, उसके पहले कुछ तो करना ही होगा।
मांगेलाल ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि दिनेश अपने खेतों में ऐसे केमिकल्स डालता है जिससे सब्जियों में स्वाद तो होता है लेकिन ये सब्जियां बाद में गंभीर बीमारी का कारण बनती है। वो कई अपार्टमेंट में जाता और लोगों को कहता कि अरे भैया आपने लगता है ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना, उसके टमाटर आम टमाटरों से कुछ ज्यादा ही लाल होते हैं, उसकी सब्जियां भी आम सब्जियों से ज्यादा हरी और बड़ी होती है, अरे वो अपनी सब्जियों में केमिकल वाले इंजेक्शन भी लगाता है। अब एक झूठ को बार बार और लगातार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। मांगेलाल की बात लोगों को अब सच लगने लगी थी। धीरे धीरे दिनेश का काम मंदा होने लगा। पता नहीं विमला किसकी नजर लग गई हमारे काम को, ग्राहक तो अब ना के बराबर ही आते हैं दुकान में। महादेव की परीक्षा है जी, सब ठीक हो जाएगा। एक बार की बात है, दिनेश जब सब्जियां बेचने के लिए निकल रहा था तो मांगेलाल ने उसे बुलाया। अरे दिनेश भाई कैसे हो, सब ठीक तो चल रहा है ना? ठीक ही है मांगे भाई, वैसे काम आजकल थोड़ा मंदा हो गया है लेकिन शिव शंकर सब ठीक करेंगे। हाँ 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 जरूर ठीक करेंगे। दिनेश भाई ये कुछ इंजेक्शन है, जब तुम वापस लौटोगे तो ये इंजेक्शन मेरे लिए लेते आओगे। इंजेक्शन? ये कैसे इंजेक्शन है मांगे भाई? अरे क्या बोलूँ मैं, पिछले कई महीनों से मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, कुछ कदम चलने पर ही दर्द इतना बढ़ जाता है कि जान निकल जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन कुछ दिन लगवाने से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। ओहो कोई बात नहीं भाई, मैं ये इंजेक्शन लेता आऊंगा। दिनेश की हामी भरने पर मांगेलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये वो इंजेक्शन थे जिनका प्रयोग सब्जियों को जल्दी से बड़ा करने के लिए किया जाता था। सीधे साधे दिनेश को क्या पता था कि वो क्या खरीद रहा है। इस बीच मांगेलाल ने पुलिस को खबर कर दी कि दिनेश अपनी सब्जियों में इस तरह की मिलावट करके लोगों को बीमार बना रहा है। दिनेश दवा खरीद कर जब शाम को वापस लौट रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तेरा नाम दिनेश है ना? जी 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 साहब। तू सब्जियों में मिलावट करता है, उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाता है। अरे तुझे पता है इससे लोगों को कितनी गंभीर बीमारियां हो रही है? ये आप क्या कह रहे हैं साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बड़ा सीधा बन रहा है तू। तो फिर ये इंजेक्शन किस काम के लिए है? साहब ये तो मेरे पड़ोसी का है, उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना। दिनेश की बात पर पुलिस वाले ने उसे खींच कर एक तमाचा मारा और कहा बड़ा झूठा है रे तू, ये इंजेक्शन घुटनों के दर्द का है। पुलिस ने दिनेश को थाने में बंद कर दिया, उस पर मुकदमा चला और उसे जेल हो गई। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस बीच विमला की सबसे बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। देखिए आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है, इनका ऑपरेशन करना होगा, 50,000 रुपयों की जरूरत होगी। 50,000 का नाम सुनकर विमला सन्न रह गई। उसे जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना था लेकिन इतने पैसे वो कहाँ से लाती। इस बीच मांगेलाल एक दिन उसके घर आया। अरे भाभी जी आपने मुझे बोला क्यों नहीं? देखिए पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा लेकिन आपको अपनी जमीन मुझे बेचनी होगी। अब विमला के पास कोई चारा तो था नहीं, उसने मांगेलाल को वो जमीन 50,000 जैसी मामूली रकम पर बेच दी। गीता का इलाज हो गया, वो ठीक होकर घर आ गई लेकिन अब उनके सामने खाने पीने का संकट हो गया क्योंकि उसकी जमीन तो मांगेलाल ने चतुराई से अपने नाम करवा ली थी। दूसरे दिन भी दिनेश जेल में था, उसकी रिहाई के लिए भी तो वकीलों से मिलना और उनकी फीस चुकानी थी। विमला ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। हे महादेव ये कैसा संकट आ गया है हमारे ऊपर, हमारा साथ दीजिए महादेव, हमारा साथ दीजिए। लेकिन इस बीच दुर्भाग्य के साए ने दिनेश के परिवार को और जकड़ लिया। जेल में एक कैदी ने किसी बात पर दिनेश को चाकू मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विमला को जब इस बात का पता लगा तो उसे भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसी। पल में ही तीनों बच्चियां अनाथ हो गईं। ये सब क्या हो गया क्या हो गया ये सब, हे महादेवा ये सब कैसे हो गया, हम अनाथ हो गए अनाथ। रानी सीमा और गीता का जीवन पल भर में अंधकारमय हो गया। कुछ दिन तो शोक में भूखे प्यासे बीते लेकिन शोक में पूरा जीवन तो नहीं बिता सकते। 4 दिन वे लोग भूखे प्यासे रहे, फिर एक दिन मांगेलाल उनके पास आया और कहा अरे बच्चियों कहने को तो मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ है तुम लोगों के लिए। बाप माँ दोनों खत्म हो गए तुम लोगों के तो क्या हुआ? अरे मैं हूँ ना, एक काम करो तुम लोग मेरे खेत में काम करना शुरू कर दो, मैं कुछ पैसे दे दूंगा। अरे तुम लोगों को भूखे तो नहीं रहना होगा। वे बच्चियाँ अपने ही खेत में दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करने लगी। मांगेलाल ने उन्हें इसलिए काम पर रखा था क्योंकि उन बच्चियों को बहुत कम पैसे देने पड़ते थे। मेरे दिमाग का जवाब नहीं समय बीत रहा था। इस बीच कांवड़ यात्रा का समय हो गया।
उन तीनों बहनों ने तय कर लिया कि इस बार वो जरूर कांवड़ यात्रा पर जाएंगी। मांगेलाल उन्हें छुट्टी देने को तैयार नहीं था, फिर भी वे सभी कांवड़ यात्रा पर निकल गयी। रास्ते में कंकड़ पत्थर उनके पैरों में चुभते, लेकिन वो एक ही जयकारा लगाते हुए जा रही थी, बोल बम बोल बम बोल बम। इस बीच घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार दो दिन तक बारिश होती रही। इन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण तो ली थी, लेकिन तेज बारिश ने बाढ़ वाले हालात बना दिए थे। बाढ़ के पानी की चपेट में ये तीनों बहनें आ गईं, लेकिन इन्होंने शिव के नाम का जाप नहीं छोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल बम बोल बम। उस विकट परिस्थिति में भी उनके मुंह से शिव नाम के जाप को सुनकर भगवान भोलेनाथ धरती पर एक बचाव कर्मी के रूप में उनके सामने नाव लेकर आए। उन्हें खींचकर नाव पर बिठाया और तीनों की जान बचाई। कुछ समय बाद पानी उतर जाएगा बच्चियों, फिर तुम अपनी यात्रा शुरू करना, और इस यात्रा को खत्म करने के बाद तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शिव रूप में बचाव कर्मी की बातें सुनकर तीनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता कि उनके जीवन में क्या कष्ट है। तीनों ने उस बचाव कर्मी का धन्यवाद किया और अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की। और जब वो कांवड़ यात्रा पूरी करके अपने घर लौटी तो उनका सामना एक और आश्चर्य से हुआ। उन्होंने देखा कि मांगेलाल को एक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़कर ले जा रहा है और वो उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है। अरे गलती हो गया दरोगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जमीन के लालच में दिनेश को फंसाया, उसकी बेटी का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया और इलाज के लिए रुपए देने के नाम पर उसकी जमीन हड़प ली। तुमने जमीन के लिए दो लोगों की हत्या की और उनकी बच्चियों को अनाथ बना दिया, इस पर भी तेरा मन नहीं भरा और तूने उन्हें अपनी ही जमीन पर दिहाड़ी मजदूर रख लिया। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तीनों बच्चियों को अब सच का पता लग गया था। उनकी आंखों में आंसू थे तो मांगेलाल के लिए गुस्सा भी, लेकिन उन तीनों बच्चियों ने जब इंस्पेक्टर का चेहरा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो वही आदमी है जिन्होंने बाढ़ में हमारी जान बचाई थी। ये इंस्पेक्टर वही था जिसने उस दिन बचाव कर्मी के रूप में उनकी मदद की थी। असल में भगवान शिव एक बार फिर अपने भक्त की मदद के लिए इंस्पेक्टर रूप में आए थे। ये बात खुद भगवान शिव ने उन बच्चियों के सपने में आकर बताई। मांगेलाल ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, उसे उम्र कैद की सजा मिली। जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन ईश्वर पर भरोसा हर दुख से बाहर निकालता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भैया ये हार कितने का है? वो 1,00,000 रुपए की है। 1,00,000? बाप रे। अंजलि सिर्फ 20,000 रुपए लेकर सोने का हार खरीदने आई थी, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि 20,000 में तो सोने की एक अंगूठी तक नहीं मिल सकती। वो अपने ही मन में सोचने लगी, अब क्या करूं मैं, मुझे हार तो खरीदना ही पड़ेगा, कल मेरी बहन की शादी है, बिना हार पहने तो मैं शादी में नहीं जा सकती। तभी अंजलि के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दुकानदार से कहती है, भैया बाहर आपको कोई बुला रहा है। मुझे कहाँ? वो आदमी बाहर चला जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर अंजलि उस हार को अपने पल्लू में बांध लेती है। फिर उसकी नजर गेट पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड पर जाती है। अरे बाप रे, गेट पर तो सिक्योरिटी गार्ड है, जाते वक्त उसने मुझे पकड़ लिया तो। और तभी अंजलि ने उस हार को निगल लिया। अब मैं आराम से बाहर जा सकती हूँ, कल सुबह पोटी के साथ ये हार निकल जाएगा। अंजलि बाहर चली गई। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे चेक किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अंजलि आराम से घर चली गई। उसके पति रमेश ने पूछा, क्या हुआ अंजलि, हार कहाँ है? ये लो तुम्हारे 20,000 रुपए। तुमने हार नहीं खरीदा? तुम चिंता मत करो, कल सुबह हार खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा। रात को अंजलि ने दबा कर खाना खाया। अगले दिन सुबह वो शौच करने के लिए शौचालय गई और शौच करने के बाद उसने उसी में से हार को निकाला। अरे वाह, ये रहा मेरा सोने का हार, ये आइडिया तो मस्त है, अब से मैं यही करूंगी। हार देखकर रमेश भी चौंक गया। अरे बाप रे, इतना महंगा हार तुम्हें मुफ्त में कहां से मिला? मिल गया, अब कैसे मिला उससे तुम्हें क्या। अंजलि ने किसी को कुछ नहीं बताया। उस हार को पहनकर उसने अपने बहन की शादी में बहुत मजे किए और शादी के बाद
उसकी बहन उर्मिला ने अंजलि से कहा, दीदी ये देख, मेरी सास ने मुझे कितने सारे सोने के जेवर दिए हैं। उर्मिला ने अंजलि को सब कुछ दिखा दिया और गहने देखते ही अंजलि के मन में लालच खुल गया। उर्मिला 5 मिनट के लिए बाहर गई और तभी अंजलि ने उर्मिला का एक हार निगल लिया। अगले दिन सुबह फिर से पोटे के साथ हार बाहर निकल आया। अंजलि बहुत खुश हुई। अरे वाह, ऐसे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी। उधर हार न मिलने पर उर्मिला रोने लगी। हे भगवान, मेरा हार कहाँ गया? किसने चुराया मेरा हार? उसे सजा दिला दो भगवान, उसे सजा दिला दो। उर्मिला रोती रही और अंजलि मन ही मन हंसती रही। भगवान क्या, मुझे कोई भी सजा नहीं दे सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। अंजलि के साथ भी वही हुआ। वो हर रोज कहीं ना कहीं से सोने के गहने चुराने लगी। लोगों के घर घर जाके सोने के गहने निगलने लगी और अगले दिन पोटी के साथ उसे निकालने लगी। ऐसे उसके पास बहुत सारे सोने के जेवर जम गए। अब तो मैं बहुत अमीर बन गई हूँ। लेकिन एक दिन रमेश ने ये देख लिया। अंजलि शौचालय में घुसकर गहने कैसे ले आती है, मुझे देखना पड़ेगा। रमेश ने अंजलि का पीछा किया और उसने देखा कि अंजलि एक रिश्तेदार के घर गई और मौका मिलते ही उसने एक सोने के झुमके निगल लिए। तब रमेश को सब कुछ समझ में आ गया। घर लौटकर रमेश ने अंजलि से कहा, अंजलि तुम ये गलत कर रही हो, चोरी करना बुरी बात है। तुम तो चुप ही रहो, तुमने अभी तक मुझे कुछ दिया है? मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ अंजलि, तुम्हारे पास जो है उसमें ही खुश रहो। नहीं, मैं उसमें खुश नहीं रह सकती, मुझे और ज्यादा चाहिए और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मैं तो गहने निगल लेती हूँ और अगले दिन पोटे के साथ निकाल लेती हूँ, इसके बारे में किसी को कैसे पता चलेगा। अंजलि ने रमेश की बात नहीं सुनी, वो ऐसे ही चोरी करने लगी। ऐसे ही एक दिन उसे पता चला कि सोने की एक दुकान पर डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए उस दुकान पर बहुत भीड़ है। ये तो मेरे लिए सुनहरा मौका है, भीड़ भाड़ में मैं कितना माल अंदर कर सकती हूँ। अंजलि उस दुकान पर चली गई, वहाँ बहुत भीड़ थी और उसी का फायदा लेकर अंजलि ने एक के बाद एक जेवर निगलने लगी। उसने बहुत सारे गहने निगल लिए। दुकानदार को जब पता चला कि उसकी दुकान के गहने चोरी हो गए हैं, तब उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने सबकी तलाशी ली, अंजलि की भी तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। अगले दिन अंजलि पोटी करने के लिए शौचालय गई, लेकिन उसे पोटी नहीं हुई। अरे ये क्या, पोटी क्यों नहीं हो रही है? अंजलि का पेट दर्द करने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने पेट का स्कैन करके देखा और वो चौंक गए। ये क्या, पेट के अंदर इतना सोना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। डॉक्टर ने पेट काट कर ऑपरेशन करके सोना निकाला। तभी वहाँ पुलिस आ गई और उस दुकान का मालिक भी आ गया। अरे ये तो मेरी दुकान के गहने हैं, इसका मतलब ये औरत ही चोर है। अंजलि ने रोना धोना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने अंजलि को गिरफ्तार कर लिया और उसे 10 साल की सजा हो गई। इसीलिए कहते हैं कि लालच अच्छी चीज नहीं है, बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन तो जरूर मिलता है। शिव वे आदि देव हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को लेकर जब सभी असमंजस में थे तो महादेव ने हलाहल का पान किया और जगत की रक्षा की। कहते हैं हमारे शिव बहुत ही भोले हैं, तभी तो उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। हाँ ये भी एक सत्य है कि जब वो क्रोधित होते हैं तो तांडव भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम भी करते हैं और तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। बहुत पुरानी बात है
किसी राज्य में दीपानाथ नाम का एक बड़ा ही शातिर चोर रहता था। हर रात तो वो किसी न किसी घर में चोरी जरूर करता। चोरी करके ही वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक रात की बात है, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? कितनी बार कहा है कि चोरी पाप है। एक दिन जब आप पकड़े जाएंगे तो मेरा और मेरी कोख में पलने वाले इस बच्चे का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? अरे सुकुमारी, तुम काम पर जाते समय ऐसी अपशकुन भरी बातें मत किया कर। मैं कोई नया चोर नहीं बना हूँ। अरे वर्षों का तजुर्बा है मेरा चोरी करने का, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। दीपानाथ यह कहकर चोरी करने निकल गया। कुछ दिनों से उसकी एक घर पर नजर थी। वो उस घर में जा घुसा और चुपके चुपके अंदर के उस कमरे की ओर बढ़ने लगा जहाँ तिजोरी थी। उसने उस कमरे का ताला तोड़ा और फिर तिजोरी के पास पहुंचकर उसे अपने हथियार से खोला। अरे बाप रे, कितना सारा पैसा है यहाँ तो, मजा आ गया। आज की इस चोरी के बाद 4-5 महीने तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीपानाथ तिजोरी से पैसे निकालने लगा। तभी उस मकान के मालिक की नींद खुल गई। उसे दूसरे कमरे से खटपट की आवाज आई। वो समझ गया कि जरूर कोई न कोई उस कमरे में घुस आया है, क्योंकि उस कमरे के बाहर तो ताला लगा होता था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे हरी, गुंजन बेटा, त्रिलोचन, जल्दी बाहर आओ, लगता है तिजोरी वाले कमरे में कोई घुस आया है। दीपानाथ ने जब ये आवाज सुनी तो उसके हाथ पांव फूल गए। पकड़े जाने के डर से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने होश नहीं खोए। और जब तक उस मकान मालिक के बेटे उस तक पहुंचते, वो वहां से 9-2-11 हो गया और भागा भागा सीधे अपने घर जा पहुंचा और अपने घर का दरवाजा पीटने लगा। सुकुमारी, अरे सुकुमारी, जल्दी से दरवाजा खोल। सुकुमारी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो हांफता हुआ अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ जी, आप इतना हांफ क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, तू जाकर एक गिलास पानी लेकर आ। सुकुमारी पानी लेकर आई। अगर आज पकड़ा गया होता तो भारी मुसीबत हो जाती। अजी आप क्यों नहीं सुनते मेरी बात? अरे छोड़ दीजिए ना चोरी करना, आज बच गए पर किसी ना किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। तो फिर शुरू हो गई, चल जा यहाँ से। मेरा दिमाग मत चाट, वैसे भी आज का दिन काफी बुरा रहा। खाना सामने था लेकिन खा नहीं सका, लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही। लेकिन राज्य में बढ़ती चोरियों की खबर राजा को लग गई। उन्होंने अपने सिपाहियों को सख्त निर्देश दिया कि सिपाहियों, हर दिन मुझे प्रजा की ओर से यह शिकायत मिल रही है कि उनके घरों में चोरियां हो रही है। आखिर तुम लोग करते क्या हो? कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद एक भी चोरी की बात मेरे कानों तक आई तो तुम लोगों का सिर कटवा दूंगा। राजा की बातों को सुनकर सैनिकों के बीच खलबली मच गई और उन्होंने राज्य के चप्पे चप्पे पर अपनी निगाह रखनी शुरू कर दी। रात और दिन सैनिक पहरा देने लगे, जिसका परिणाम ये निकला कि पिछले 20 दिनों से दीपनाथ कहीं भी चोरी नहीं कर सका। अब तो उसके घर में खाने को एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिनों से ना तो उसने कुछ खाया था और ना ही उसकी गर्भवती पत्नी ने। उसकी पत्नी ने जब उसे कोई काम करने को कहा तो मेरा काम चोरी करना है, इसके अलावा मुझसे कोई काम नहीं होगा, ये कहकर दीपनाथ घर से बाहर निकल गया। मुझे चोरी करने का कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। कोई तो ऐसी जगह होगी जहाँ राजा के सैनिक की नजर नहीं होगी। रात का समय था, दीपनाथ यही सोचता हुआ चले जा रहा था, लेकिन हर जगह उसे राजा के सिपाही हाथ में तलवार और भाला लिए दिखाई दे रहे थे। अचानक उसकी नजर एक शिव मंदिर पर गई, जो बिल्कुल एक सुनसान जगह पर बना हुआ था। बाहर से वो मंदिर काफी पुराना लग रहा था। ये तो कोई शिव मंदिर लग रहा है, काफी पुराना भी है ये। लोग मंदिर में तो काफी चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ आसपास तो कोई सिपाही भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस मंदिर के अंदर चलता हूँ, यहाँ दान पेटी जरूर होगी, आज उसे ही तोड़कर पैसे निकाल लूंगा। दीपनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन वहाँ बहुत ही अंधेरा था। ओह, यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, क्या करूँ मैं, यहाँ कहाँ होगी दान पेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। अचानक दीपनाथ को एक उपाय सूझा। हाँ ये ठीक रहेगा, मुझे आग जलाने का इंतजाम करना होगा। उसने मंदिर परिसर से ही 2 पत्थर लिए और उसे टकरा कर आग उत्पन्न की। जैसे ही आग उत्पन्न हुई, उसने अपने कपड़े उतारे और उसे एक लकड़ी में लपेट कर उसे मशाल की तरह जलाया। पल में ही पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। लो, हो गई रोशनी।
रोशनी होते ही उसकी नजर शिवलिंग के ऊपर लगे सोने के घड़े पर गई, जिस घड़े से अब भी पानी टपक रहा था और भोले बाबा का जलाभिषेक हो रहा था। उस सोने के घड़े को देखकर दीपनाथ की आंखें चौंधी आ गई। अरे ये तो सोने का घड़ा लग रहा है, दान पेटी तो यहाँ दिख नहीं रही है। हाँ, इस सोने के घड़े को ही ले चलता हूँ, इसे बेचकर तो कई दिन आराम से जिंदगी काटी जा सकती है। लेकिन वो सोने का घड़ा थोड़ा ऊपर था, इसलिए दीपनाथ का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। अरे क्या करूँ मैं, मेरा हाथ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, क्यों ना मैं शिवलिंग पर चढ़ जाऊँ। हाँ ये ठीक रहेगा, शिवलिंग पर चढ़ने से मैं आराम से उस सोने के घड़े तक पहुँच जाऊँगा। ये सोचकर लालच का मारा दीपनाथ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ गया और उस सोने के घड़े को उतारने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहाँ एक रोशनी से चमकी और साक्षात भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उनके हाथों में त्रिशूल और उनकी बड़ी बड़ी आँखों को देखकर दीपनाथ डर के मारे थर थर कांपने लगा। भगवान भगवान भोलेनाथ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ दीपनाथ, क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया, मैं तो तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें पता है ना, मुझे दीपक पसंद है, दीपक की रोशनी से मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। यहाँ दीपक तो नहीं था, लेकिन तुमने अपने कपड़ों में आग लगाकर यहाँ रोशनी की। मैं तो अंधकार में था, लेकिन तुमने मुझे उजाले में लाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कहो कहो क्या चाहिए पुत्र? दीपनाथ जो अब तक डर रहा था, महादेव की ये बात सुनकर उसकी जान में जान आई। लेकिन तभी उसे मंदिर के दरवाजे को पीटते हुए सैनिकों की आवाज आई। साथियों, इसी महादेव के मंदिर से रोशनी आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम लोग दूसरी तरफ पहरा दे रहे थे तो वो चोर इस मंदिर में घुस गया है। घुसा तो वो जिंदा है, बाहर वो मुर्दा निकलेगा। हम उस चोर का कटा सिर राजा को सौंपेंगे। सैनिकों की बातों को सुनकर दीपनाथ के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों के आगे उसकी गर्भवती पत्नी का चेहरा आ गया, उसे अपने सामने मौत नजर आने लगी। वो रोते हुए भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर गया और बोला, आप मुझसे प्रसन्न है ना, कृपया कर आप मेरी जान बचा लीजिए, नहीं तो वो राजा के सैनिक मुझे मार डालेंगे। महादेव, मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के धरती पर आने के पहले उसके सिर से उसके पिता का साया उठ जाए। हे महादेव, आप तो जगत के पिता है ना, मेरी लाज रखिए, मुझे बचा लीजिए, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। दीपनाथ, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, बस तुम अपनी आंखें बंद करो। दीपनाथ ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, महादेव ने उसे सांप बना दिया। सांप बना दीपनाथ शिवलिंग पर जाकर लिपट गया। उतनी देर में सैनिक मंदिर के दरवाजे से अंदर आ गए और जब उन्होंने शिवलिंग से लिपटे सांप को देखा तो, साथियों ये कैसा चमत्कार है, ये तो नाग है जो शिवलिंग से लिपटा है। हमें लगा कि मंदिर के भीतर कोई चोर प्रवेश कर गया है, लेकिन ये तो सांप है जो महादेव की आराधना कर रहा है। हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसे अपनी आराधना करने दो। ये कहकर सारे के सारे सैनिक वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दीपनाथ सांप के वेश में ही रेंगता हुआ मंदिर से बाहर निकल गया और रेंगते हुए अपने घर के पास पहुँचा। घर के पास पहुँचते ही महादेव की शक्ति से वो फिर मानव रूप में आ गया। अपने आप को जिंदा और मानव रूप में देख वो जोर जोर से रोने लगा और महादेव का धन्यवाद करने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे प्रभु, आपने मेरे जैसे चोर, मेरे जैसे पापी को भी जीवन दान दिया। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मुझे न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि मंदिर में चोरी जैसे पाप से भी बचाया। सच में आप भोलेनाथ हैं प्रभु, हर हर महादेव। उस दिन के बाद दीपनाथ पूरी तरह बदल गया और महादेव की भक्ति में जुट गया। यही नहीं, अब वो मेहनत करके अपने परिवार का पेट भी पालने लगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें